क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे जान माल का भी खतरा है। सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देते। बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं देवेश दुबे, और ये गुस्सा निकल रहा है अखिलेश यादव के लिए, या यूं कहें सपा सरकार के लिए। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव आज देवरिया जनपद के दौरे पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में वो दोनों पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे, मगर उनके दौरे से पहले देवेश ने अपना फरमान सुना दिया है। देवरिया कांड के बाद से ही यूपी की राजनीति गर्म है, पक्ष विपक्ष की बयानबाजी भी चल रही है और तमाम नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से लेकर देवरिया सदस्य विधायक शलभमणि त्रिपाठी तक पीड़ितों के साथ मुलाकात करते देखे। वहीं विपक्ष से शिवपाल यादव का बयान आया कि सरकार इस केस में दोहरी नीति अपना रही है, अगर हम देवरिया जाएंगे तो दोनों पक्षों का दुख बांटेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव के दौरे से पहले अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो यादव और दुबे दोनों परिवारों के साथ मुलाकात करेंगे, मगर दूसरी तरफ मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया है। सुनिए उनके मन की नाराजगी। हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंद बुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया, और सपा के सरकार में ही चार चार राइफल निकलवा लिया गया था, और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारे खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखता था, गोली सटा करके हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित थे हम लोग थे, और इन स्कूल के जमीन में, वन विभाग के जमीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारे जान माल का भी हम खतरा है। देवेश के ऐसे बयान के बाद सवाल उठता है कि ये नाराजगी इतनी कैसे बढ़ गई, और अब जब देवेश अखिलेश से मिलने से इनकार कर रहे हैं तो क्या वो उनसे मुलाकात करेंगे। खैर, अब ये सारी बातें तो सपा प्रमुख के देवरिया दौरे के बाद ही साफ हो पाएंगी। NBT ऑनलाइन के लिए देवरिया से कौशल किशोर त्रिपाठी की रिपोर्ट।